हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम ग्रॉसअप बाय तान्या। और इस चैनल की ये थर्ड वीडियो है जो कि मैं सिरम बताने जा रही हूँ आपको। ये एक नाइट सिरम रहेगा जो कि आपकी स्किन को टाइटनिंग करेगा, आपकी एंटी एजिंग के ऊपर वर्क करेगा, साथ ही साथ ये एक्नी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा वंडरफुल वर्क करेगा। और साथ ही साथ आप पिगमेंटेशन वाली स्किन के ऊपर इसे लगा सकते हैं, साथ में ऑयली स्किन के ऊपर लगा सकते हैं, ड्राई स्किन के ऊपर, एवरी स्किन टाइप के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ डार्क सर्कल्स को तो ये 100% रिमूव करेगा अगर आप इसी तरीके से इसे अप्लाई करेंगे, जिस तरीके से जितनी क्वांटिटी में इसके अंदर डाल रही हूँ। और साथ में ये पिंपल स्किन के लिए वर्क करने वाला है क्योंकि ये रिड्यूस करेगा आपकी स्किन में जो भी पिंपल्स होंगे या फिर एक्नी होगी, वो उसको रिड्यूस करेगा और साथ ही साथ इम्प्रूव करेगा आपके डार्क सर्कल्स को, और आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस और टाइटनेस लेकर आएगा। चलिए हम ये DIY स्टार्ट करते हैं। इस पे ऑलरेडी मैंने ये पहले से एक बना के रखा है, ये कुछ इस तरीके का बनेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट रहेगा और आपको इसे बहुत स्मूथ तरीके से अपने हाथ में मसाज करनी है। चाहे आप इसे अपने हैंड पर लगाइए, चाहे आप इसे फेस पर लगाइए, ये हर बॉडी पार्ट पर वर्क करेगा आपके लिए। आप इसे फेस पर लगाइए, रात को लगाइए, आप इसे डे टाइम में जब भी यूज़ करें तो प्लीज़ इसके बाद आप सनस्क्रीन का यूज़ करिए, वरना इसका कोई भी फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। और ये कुछ इस टेक्सचर में बनने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। मैंने हिमालय की नेचुरल ग्लो केसर जेल लिया है और मैंने फिर उसके बाद हिमालय का एलोवेरा जेल लिया है। आपको कोई भी एलोवेरा जेल लेना है पर मार्केट का होना चाहिए। आपको आपके जो घर में प्लांट लगे होते हैं एलोवेरा जेल के, वो वाला एलोवेरा जेल से कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको, तो आप प्लीज़ मार्केट वाला लीजिएगा। बट एक केसर वाला होना चाहिए और एक प्लेन एलोवेरा होना चाहिए। साथ में मैंने लिया है डाबर का रोज़ वाटर। अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो आप दूसरा प्लेन वाला भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ली है वाइल्ड टर्मरिक, जिसे आप देसी हल्दी बोलते हैं। अगर आपके पास देसी हल्दी नहीं है तो आप नॉर्मल घर में जो आप किचन में यूज़ करते हैं हल्दी, वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी बहुत बेनिफिशियल होती है आपकी स्किन के लिए और आपकी स्किन को बहुत ही स्पॉटलेस बनाती है और आपकी स्किन में जो भी डार्कनेस होती है, पिगमेंटेशन होती है, उसको रिड्यूस कराती है। चलिए तो हम अपना DIY स्टार्ट करते हैं। हिमालय का जो केसर फेस जेल है वो मैं 1 स्पून लूँगी, आपको भी 1 स्पून ही लेना है। इसके बाद मुझे लेना है एलोवेरा जेल, ये भी हम 1 स्पून ही लेंगे। इसकी क्वांटिटी आपकी इतनी ही रहनी चाहिए। आपको जो टर्मरिक लेना है ना, वो पिंच ऑफ टर्मरिक लेना है, मतलब थोड़ा सा टर्मरिक लेना है क्योंकि ये कलर छोड़ता है। हल्का सा पिंच ऑफ टर्मरिक लिया मैंने। और इसके साथ मैंने, जिसके पास स्प्रे वाली बॉटल है वो प्लीज़ 3 स्प्रेज डालिएगा इसके अंदर, और जिसके पास स्प्रे वाली बॉटल नहीं है रोज़ वाटर की, आप 1 टेबल स्पून इसमें डाल सकते हैं। और अब आप इसे मिक्स कीजिए। देखिए कुछ इस फॉर्म में बनता जाएगा। ये देखिए ये कुछ इस फॉर्म में बनेगा। और अब मैं इसको आपको अपने हैंड पे अप्लाई करके दिखाती हूँ कितना मॉइस्चराइजिंग है। ये देखिए, ये मेरी स्किन ड्राई पड़ी है इस टाइम पे। अब मैंने इसको रब नहीं करना है, आपको इसको मसाज करना है। आपको उसको रब बिल्कुल भी अपनी स्किन पे नहीं करना है, मसाज करके। अब आप देखिए, आप मेरी इस हैंड को देखिए कितना मॉइस्चराइज लग रहा है और ये ड्राई है। आप
आप इसे मैक्सिमम 10 डेज़ यूज़ करके देखिए। आप 10 डेज़ के बाद मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको रिज़ल्ट मिलने स्टार्ट हो चुके हैं और आपकी स्किन में जो स्पॉट्स हैं वो भी जाना शुरू हो गए हैं और आपकी पिगमेंटेशन भी जाना शुरू हो चुकी है और जिनको पिम्पल्स हैं उनके पिम्पल्स भी रिड्यूस होना शुरू हो गए हैं। इसे कोई भी एज ग्रुप का लगा सकता है, चाहे वो 14 ईयर का हो, 15 ईयर्स का हो या फिर 50 ईयर्स का हो। इस DIY को कोई भी यूज़ कर सकता है। आप ज़रूर इसे यूज़ करिएगा, आपको बहुत ही हेल्दी और ग्लोइंग स्किन मिलेगी और ये सीरम आपको एंटी एजिंग से भी फाइट करेगा और आपकी स्किन में एक ग्लो लेकर आएगा, बहुत फ्लॉलेस स्किन आपकी हो जाएगी। ज़रूर इस सीरम को ट्राई कीजिएगा और मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कैसा ये सीरम लगा। गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो और मेरी बाकी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ लाइक भी कीजिए और मेरे न्यू वीडियोस देखने के लिए रेडी रहिए। मैं बहुत अच्छे वीडियोस अपलोड करूँगी जो कि मेरे खुद टेस्टेड वीडियोस होंगे और किसी को भी इस वीडियो से कोई नुकसान नहीं होगा। कोई वीडियो जो भी मेरे DIYs होंगे ये हार्मफुल नहीं है, बहुत ही सूदिंग रहेंगे और आपकी स्किन को फ्लॉलेस बनाएंगे। गुड बाय, टेक केयर।